इन दिनों राजनीतिक गलियारों में इस बात की अटकलें हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जेपी नड्डा के स्थान पर भाजपा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दरअसल नड्डा पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, साथ ही उन्हें केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा चुका है। इन अटकलों को बल इसलिए भी मिला है क्योंकि इस साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यदि फडणवीस को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी को राज्य में निश्चित ही फायदा होगा। महाराष्ट्र में वर्तमान में भाजपा शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार चला रही है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद फडणवीस को शिंदे का डिप्टी बनना पड़ा था। उस समय उनकी नाराजगी की भी खबरें सामने आई थी। पार्टी अध्यक्ष को लेकर फडणवीस के पक्ष में एक बात और की जाती है कि वे नड्डा की तरह यसमैन भी बन सकते हैं। हालांकि फडणवीस ने उन्हें भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जारी अटकलों को शुक्रवार को महज मीडिया की उपज बताकर खारिज कर दिया। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात की थी, हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद महाराष्ट्र पर हमेशा है और आगे भी रहेगा। जब भी मैं उनसे मिलता हूं मुझे नए ऊर्जा और उनका मार्गदर्शन मिलता है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सीधे तो नहीं कहा लेकिन संकेत जरूर दिया कि देवेंद्र फडणवीस को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्होंने देवेंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि फडणवीस एक अच्छे संगठन है, उनके पास सरकार और संगठन में काम करने का व्यापक अनुभव है। हालांकि इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व उचित निर्णय लेगा। भाजपा अध्यक्ष का चुनाव अक्टूबर 2024 में होगा। नड्डा का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 30 जून तक था लेकिन वे नया अध्यक्ष बनने तक इस पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।